इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा, जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी पाठक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मदद करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में दंतेवाड़ा के बीजेपी नेता जगत पुजारी के मामले ने सियासी गलियारे में अब एक नई बहस छेड़ दी है। बहस बीजेपी और नक्सलियों के बीच सांठ गांठ को लेकर है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नक्सल चुनौतियों के बीच आखिर कैसे बीजेपी बस्तर में बड़ी जीत दर्ज करती रही। पुजारी की गिरफ्तारी के बाद चर्चा है कि भूपेश सरकार इतिहास के पन्ने उलटकर तह तक जाने की कवायद में जुट गई है। इस बीच बीजेपी के आला नेताओं की चुप्पी और भी कई सवालों को जन्म दे रही है। मुद्दा बड़ा और गंभीर है, लिहाजा आज इस पर विस्तार से बात होगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का रोमांच अब जोर पकड़ने लगा है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव सितंबर में कराए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में उपयोग होने वाली मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा भी पूरी तरह से सक्रिय होकर रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं आज स्वराज एक्सप्रेस का अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर किया जाने वाला सर्वे भी पूरा हो गया। सर्वे के दौरान हमने हर सियासी समीकरणों को समझा और अब इस सीट के हर राजनीतिक पहलू को आपके सामने रखेंगे। साथ ही बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से और उनसे जानेंगे कि चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दे होंगे। वहीं दल बदल को लेकर अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या वोट है, इस पर भी पूरा विश्लेषण होगा। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां माओवादियों के माया जाल में एक बीजेपी नेता फंस गए। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने बीजेपी नेता जगत पुजारी और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों ने माओवादियों को संघर्षग्रस्त दंतेवाड़ा इलाके में ट्रैक्टर और अन्य सामान मुहैया कराया था। जगत पुजारी मौजूदा समय में दंतेवाड़ा में भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस्तर में बीजेपी नेता की माओवादियों से नजदीकी का खुलासा कहीं गहरे गठजोड़ का कोई अलर्ट तो नहीं है। गिरफ्त में आए बीजेपी नेता जैसे और कितने मोहरे होंगे? क्या सियासत में विषाद बिछाने में माओवादी कामयाब हो रहे हैं? माओवादियों के माया जाल पर चर्चा शुरू करें। चले उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। यही वो तस्वीर है जिसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दंतेवाड़ा जिले में माओवादी समर्थक होने के आरोप में बीजेपी नेता जगत पुजारी को एक अनसहयोगी रमेश उसेंडी के साथ बीते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्त में आए नेता ने नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर खरीदा था। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि गोपनीय सूचना मिली थी अबुझमार क्षेत्र से कुछ नक्सलियों ने माओवादियों की इंद्रावती क्षेत्र समिति में सक्रिय मिलिशिया कमांडर इन चीफ अजय आलमी को कुछ चीजें खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। जगत का नाम आने के बाद हमने पूछताछ की, तो फिर जगत को हमने पूछताछ के लिए बैठाया। उन दोनों से काफी सनसनी के खिलाफे हुए हमें कि लगातार जगत जो है वो 10 वर्षों से नक्सलियों को लगातार सप्लाई कर रहे हैं। बीजेपी नेता और उसके एक अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी पर सत्ताधारी दल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अनेक नेताओं की नक्सलियों के साथ मिलीभगत रही है। कांग्रेस ने झीरम घाटी हमले में एक पीड़ित खोई है। आज न केवल दंतेवाड़ा बल्कि कांकेर राजनांदगांव में बीजेपी के लोग नक्सलियों के मददगार के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि नक्सली विकास विरोधी है, मानव समाज के विरोधी है। बीजेपी उनके कृत्यों की निंदा करती है। कांग्रेस के नेताओं की तो पूरी पीढ़ी की शहादत झीरम में हुई। कांग्रेस ने माओवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माओवादियों से मिलीभगत
उजागर होने के बाद न केवल दंतेवाड़ा में, कांकेर में, राजनांदगांव में, हर जगह भाजपा के लोग माओवादियों को सप्लायरों की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जहां तक दंतेवाड़ा के हमारे कार्यकर्ता का मामला है, जांच के ऊपर उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं पुनः कहूंगा, भाजपा नक्सल विरोधी है और कोई भी मदद करता है उसकी घोर निंदा करती है। मौजूदा हालात नक्सल मोर्चे पर एक नई सियासत की इबारत लिखते नजर आ रही। हालांकि अभी कुछ परतें खुली, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे परत दर परत खुलेंगी तो क्या और भी नए चौंकाने वाले खुलासे होंगे, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो माओवादियों का मायाजाल, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्रानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी। आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए, और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के के महत्व जी। चंद्रानी जी, पहले आपसे ही छोटा सवाल है, जगत पुजारी जी आपके पार्टी से जुड़े रहे हैं, खंडन तो नहीं कर रहे आप, उपाध्यक्ष हैं वहां के, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, हम खंडन क्यों करेंगे जी? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो निश्चित रूप से जांच हो जानी चाहिए जी, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नक्सलवाद की घोर विरोधी रही है जी। जहां तक जीरम घाटी की घटना में कांग्रेस ने एक पीढ़ी खोई है तो हमारे भी कई नेता शहीद हुए, हमें भी जीरम घाटी की घटना का बड़ा अफसोस है जी। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी जीरम घाटी की बात करके सिर्फ सहानुभूति बटोरना चाहती है। हम रहा सवाल, अगर वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे तो पिछले दिनों इनका युवा कांग्रेस का एक पदाधिकारी जी पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब बेचते पकड़ा गया जी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती है कि वो शराब माफिया चला रहे हैं, अवैध शराब, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से वो स्वीकार करती है क्या? साफ शराब बेचना कांग्रेस पार्टी शराब माफिया है? सुंदरानी जी, शराब बेचना और नक्सलियों का सपोर्ट करना, इसमें एक देशद्रोह वाला मामला है। शराब एक आबकारी एक्ट के तहत आता है, इन दोनों का कंपेरिजन मत करिए, बहुत बड़ा अंतर है। नहीं नहीं, मैंने तो एक आरोप की बात की, और जहां तक नक्सलवाद का सफाया करने में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार कामयाब रही जी। सर, पूरे सरगुजा से हमने नक्सलवाद का सफाया किया और बस्तर में हम नक्सलवाद को सफाया करने की दृष्टि में बढ़ रहे थे। सुंदरानी जी, तो फिर आपने, लेकिन सुंदरानी जी आपने, ठीक है, हम भाजपा या पार्टी पे आरोप हम नहीं लगा रहे, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ आरोप लगाने वाला, लेकिन ये जो आपके उपाध्यक्ष जी, कांग्रेस को तो आरोप लगाने दीजिए जी। जी, मैं तो लगा ही नहीं रहा, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आज टी शर्ट में आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो लेकिन सवाल इस बात, सुंदरानी, सवाल यहाँ इस बात का है कि पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष एक अपने आप में बड़ा ओहदा होता है, बड़ा पद होता है, क्या ये जो मिसकाल से आपने सदस्य बनाए थे उनमें से कुछ सदस्यों को पार्टी का पदाधिकारी भी बना दिया क्या? आपने जांच नहीं की कि इनकी क्या गतिविधियां हैं? देखिए त्रिपाठी जी, अभी तो मामला जांच में है जी, और निश्चित रूप से वो हमारा अगर पदाधिकारी है, कहीं किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता जी। बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी अन्य अन्य बड़े बड़े मामलों में अरेस्ट हो चुके हैं जी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी क्या या पूरी भारतीय जनता पार्टी आरोपी हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के तो छोड़िए, आपकी पार्टी
का अनुशासन, आपकी पार्टी की सुचिता, इन बात ही करते हैं ना, चाल चरित्र और चेहरे की। हम इसलिए कांग्रेस को छोड़िए, वो मास बेस्ड पार्टी है, आप कैडर बेस्ड पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यही कर रहा हूँ कि आप जब सक्रिय सदस्य बनाते हैं तो भी उसकी पूरी जांच करते हैं, पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष बनाना और अगर ऐसी गतिविधियों में लिप्त वो पाए गए हैं, हालांकि ये मामला न्यायालय में जाएगा, दोषी है नहीं दोषी है ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा तो यहाँ है ही कि अगर पुलिस आर्मी के या बीएसएफ के सीआरपीएफ के कोई भी अधिकारी ये अगर हम बोल रहे हैं कैमरे के सामने कि उनसे बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी ही सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच होके सारे तथ्यों के आधारित होनी चाहिए। ऐसा न हो कि किसी को बेगुनाह पे कोई कार्रवाई हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नक्सलवाद का समर्थन करता है वो भारतीय जनता पार्टी का भी दुश्मन है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोधी है, और ऐसे लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप निकाल देंगे उनको, इससे ज्यादा और क्या करेंगे आप। जगत पुजारी जी अब तो पुलिस की गिरफ्त में है, निकाल भी। चलिए हम सुशील जी से, आदरणीय त्रिपाठी जी, हम फांसी पे तो नहीं लटका सकते ना किसी को। नहीं नहीं, वो कानून हाथ में बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, सुशील जी है हमारे साथ। सुशील जी, त्रिपाठी जी जी, सुशील जी ठीक है जी। अभी ये जी। मामला अगर कोई भी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जैसा कि दावा है, मिस काल के माध्यम से सदस्य बनाए या किसी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है ये, ऐसी स्थिति में अगर एक जिले का पदाधिकारी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, उपाध्यक्ष कई होते हैं, अध्यक्ष एक होता है, महासचिव और उपाध्यक्ष कई होते हैं, तो पूरी पार्टी को थोड़ी दोषी दे सकते, दोषी करार दे सकते हैं आप। नहीं, सवाल एक पदाधिकारी का नहीं है जी, त्रिपाठी जी जी, सवाल है नियत का जी। जगत पुजारी एक अकेला व्यक्ति नहीं है जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कम आधा दर्जन नेता जी, आधा दर्जन नेता जी, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का सहयोगी जी, इनकी ही सरकार में नक्सलियों को मददगार के रूप में यही माना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था जी, इनके पूर्व सांसद का प्रतिनिधि नक्सलियों के मदद में गिरफ्तार किया गया था, मोहला मानपुर से भाजपा का एक मंडल उपाध्यक्ष गिरफ्तार किया गया था जी। मैं बता दूं त्रिपाठी जी, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो छुटभैये पदाधिकारी थे और जो इनके मंडल और जिले स्तर के पदाधिकारी थे, उनके उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग नक्सलियों के मदद के लिए किया। दुर्भाग्य था कि सत्तारूढ़ दल, तत्कालीन सत्तारूढ़ दल और नक्सलियों के बीच में एक नापाक गठबंधन बन चुका था, और यह गठबंधन देशद्रोह की सारी सीमाओं को पार कर रहा था, नक्सलियों के शहरी मददगार के रूप में काम कर रहा था। ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने जीरम में अपनी एक पीढ़ी को सिर्फ खोया है, तो हमने भी खोया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा के पटल में घोषणा किया था कि जीरम घाटी की हम सीबीआई की जांच की मांग कराएंगे, लेकिन उन रमन सिंह जी भूतपूर्व हो गए, उन्होंने कभी अनुशंसा नहीं किया। एनआईए ने जांच किया था, एनआईए ने बिना षड्यंत्र की जांच किए, बिना किसी निष्कर्ष पे, देश की सर्वोच्च संस्था थी, जब यूपीए की सरकार थी तब जीरम घाटी के मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी, लेकिन जैसे मोदी जी की सरकार आई, लीपा पोती करके एनआईए की जांच को बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद हमने एसआईटी का गठन किया और हमने निवेदन किया, बार बार अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा, राज्य के गृह सचिव ने पत्र लिखा, राज्य के डीजीपी ने पत्र लिखा एनआईए को कि जो फाइल है उसको वापस कर दी जाए। सुशील जी, थोड़ा सा यहाँ हम कंफ्यूजन में, एनआईए को जांच सौंपी। सुशील जी, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ गए, आपने कहा एनआईए ने जांच बंद कर दी है। मैं कंप्लीट, एनआईए ने जांच बंद कर दी है, मुझे जो जानकारी है एनआईए ने जांच अभी नहीं बंद की है। नहीं, एनआईए ने जांच, जैसे एनआईए ने कंक्लूजन कर दिया था, जब हमने एसआईटी का गठन किया और हमने एनआईए से बोला कि अब आप फाइल वापस कर दीजिए और हमारी एसआईटी इसकी जांच करेगी, राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा जो विशेष कार्यदल का गठन किया गया उसकी जांच करेगी, तब एनआईए ने एक
एक चिट्ठी जारी की नहीं, हम इसकी जांच को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपने खुद यहाँ पे एनआईए ने खुद यह घोषित किया कि जीरम मामले की जांच कंक्लूड कर चुके हैं, बंद करने जा रहे हैं। जब एसआईटी का गठन हुआ हमने फाइल वापस मांगी, तो लिपा पोती करने के लिए राज्य सरकार को फाइल नहीं देने के लिए एनआईए ने इसको बंद कर दिया। जब इन्होंने उस समय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, न्यायिक जांच आयोग को मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन न्यायिक जांच आयोग के जो बिंदु तय करने थे वो राज्य सरकार को तय करने थे, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें जीरम के जो षड्यंत्र हुआ था, जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था, जिसकी हम बार बार मांग कर रहे थे कि जीरम के जो हमारी परिवर्तन रैली थी उसकी सुरक्षा क्यों वापस की गई थी, परिवर्तन रैली के रूट को क्यों चेंज किया गया था, परिवर्तन रैली के एक तरफ आप रमन सिंह की जो रैली गई थी उसको सुरक्षा देते हैं, परिवर्तन रैली में जो आपने लिखित में सुरक्षा का आश्वासन दिया था उस सुरक्षा को क्यों वापस लिया था, इन सारे कॉन्स्पिरेंसी को, इन सारे जो षड्यंत्र थे इसको जब हमने जांच में शामिल करने की बात की तो उस समय उन्होंने बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत में जो खोट है वह साफ दिखता है, या दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में यह बोल रहे थे जिनकी सरकार ने नक्सलवाद से नियंत्रण किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब रमन सिंह की सरकार 2003 में बनी थी तो बस्तर के सुदूर अंचल के सिर्फ 3 ब्लॉक तक नक्सलवाद था, कैसे छत्तीसगढ़ के 14 दिनों तक नक्सलवाद पहुंचा? मैं जानना चाहता हूं कवर्धा जैसे जिले जो रमन सिंह का गृह जिला था वहां पे कैसे नक्सलवाद की धमक हुई, कैसे नक्सलियों ने रेड कॉर्नर बनाने की जरूरत की, बस्तर से लेकर सराई पाली होते हुए रायगढ़ होते हुए रेड गाड़ी कॉर्नर बनाने की जरूरत कैसे की, कैसे नक्सलियों का सही नेटवर्क भिलाई और दुर्ग जैसे शहरों तक पहुंचा? ये क्या बात करेंगे, हमेशा नक्सलियों की पोषक रही भारतीय जनता पार्टी, ये बात करते हैं पार्टी में डिफरेंस की और इनका कार्यकर्ता देशद्रोह करता है, ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की, इनका कार्यकर्ता राष्ट्र की सुरक्षा में श्रेष लगाता है, विस्तार है भारतीय जनता पार्टी। मैं यह नहीं बोलता हूँ इसमें थोड़ा सा आक्रोशित होने की बात नहीं है, ये सामान्य एक बहस की मुद्दा है, न ही ये मंच है। बिल्कुल आक्रोशित होने की बात है, बिल्कुल आक्रोशित होने की बात, आक्रोशित हो पॉइंट पे अगर आप टू द पॉइंट अगर मुद्दा रखेंगे तो मैं सुंदरानी जी से बात कर सकूंगा, उत्तर भी ले सकूंगा। हमारा यहाँ आपने कई नाम गिनाए हैं, एक जगत पुजारी जी का नाम जो पदाधिकारी है, आपने नाम गिनाए सांसद प्रतिनिधि के सहयोगी वर्तमान में, सांसद के सहयोगी, सांसद प्रतिनिधि के सहयोगी प्रतिनिधि सांसद, दूसरा नाम गिनाया आपने सांसद प्रतिनिधि सहयोगी नहीं सांसद प्रतिनिधि, हाँ आपने गिनाया कि पूर्व इनके प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व के सहयोगी, जितने भी आपने नाम गिनाए सारे सहयोगी नाम गिनाए, जो जिला कोषाध्यक्ष भी था कांकेर का, जो कांकेर का जिला कोषाध्यक्ष भी था, इनकी पार्टी के समय गिरफ्तार हुआ था, इन्हीं की पार्टी के समय, नाम बताओ ये इन सब के नाम रखो आप, मैं तो बोला आप देख लो, आपकी पार्टी का कोषाध्यक्ष था आपकी सरकार के समय गिरफ्तार हुआ था। फालतू बातें करते हैं और कोई बात नहीं है। सुराना नाम का व्यक्ति था सुंदरानी जी, सुराना नाम का व्यक्ति था, आपकी पार्टी का कोषाध्यक्ष भी रहा था, और रायपुर माना एयरपोर्ट के रास्ते जाते हुए आपकी पार्टी के सरकार थी, जो आपकी पार्टी की सरकार के समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, नक्सलवाद का आपकी पार्टी की सरकार के समय गिरफ्तार हुआ था, सुना आपकी पार्टी की सरकार के समय गिरफ्तार हुआ था। सिंह जी क्या बात करते हैं नक्सलवादियों के प्रति क्यों सीबीआई, आप विधायक थे उस सदन के हिस्सा थे जब रमन सिंह ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी, आप विधायक थे उस सदन के हिस्सा थे, अरे जीरम घाटी का जो कलंक है वह भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार के माथे पे लगा हुआ वह खून का धब्बा है, जो सुंदरानी जी आपके इन शब्दों से नहीं बोल सकता, जीरम आपके माथे पे, जीरम आपकी सरकार के माथे पे लगा हुआ वह खून का धब्बा है जो आपके इन शब्दों से नहीं धुल सकता। नक्सलवादियों की पोषक थी भारतीय जनता पार्टी,
आपने जितने आरोप लगाए उनके सबूत रखिए, सारे सबूत बाहर आएंगे, सारे सबूत बाहर आएंगे। आप बोलिए आज एनआईए फाइल वापस करे, एसआईटी को जांच करने दे, एसआईटी के काम में हंगामा ना लगाया जाए, एसआईटी के काम में हंगामा लगाना बंद करवाइए आप। एनआईए को बोलिए फाइल वापस करे, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए रिपोर्ट नहीं है, सुशील जी जब कोई राष्ट्रीय एजेंसी जांच करती है तो उसमें राज्य सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जब सीबीआई कोई जांच करती है तो उसमें राज्य सरकार के हाथ से बाहर हो जाती है। एनआईए राष्ट्रीय एजेंसी है, इनको पता ही नहीं है। जब राष्ट्रीय एजेंसी ने जब जांच बंद कर दिया था, फिर पुनः क्यों चालू किया? राष्ट्रीय एजेंसी ने जांच बंद कर दिया था, चलिए गठन हो गया, सुनवाणी जी राज्य सरकार, शुक्ला जी एक मिनट, सुनवाणी जी मुद्दे की बात, सुनवाणी जी बकवास तो आप करते हैं यार, शुक्ला जी एक मिनट, सुनवाणी जी बकवास शब्दों का प्रयोग न करें, आप विधायक रहे, संसदीय शब्दों का प्रयोग करिए, चलिए क्या बकवास बात करते हैं आपके पास, शब्दों की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। शुक्ला जी एक मिनट, शुक्ला जी एक मिनट, सुनवाणी जी बकवास शब्द का प्रयोग करते हैं, ये बकवास शब्द क्या होता है सुनवाणी जी? शुक्ला जी थोड़ा सा ख्याल, कभी कभी ये निकल जाते हैं शब्द इस तरह के। सुंदरानी जी एनआईए इतने लंबे समय से जांच, कोई बात नहीं, हमारे आग्रह है, या जो स्वीकार करते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए मैं स्वीकार, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि कभी कभी शब्द निकल जाते हैं सुंदरानी जी, लेकिन इतने लंबे समय तक एनआईए भी जांच करे, उसकी रिपोर्ट तो आने के कितने साल हो गए, 7 साल होने जा रहे हैं, 7.5 साल 8 साल, तो कम से कम अब तो एनआईए जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि एनआईए जांच बंद नहीं की होगी लेकिन बहुत कछुआ चाल से चल रही होगी, लेकिन जैसे ही उनने डिमांड की, एसआईटी का गठन किया, तो फिर से तेजी से करने लगी, तो कितने साल तक एनआईए जांच करेगी सुंदरानी जी? अगर एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट रख दे तो इस तरह के आरोप ही नहीं लगेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जांच समय पे आनी चाहिए, जांच चाहे कोई भी एजेंसी जांच करे, जल्द से जल्द पर्दा उठना चाहिए, लेकिन एनआईए का गठन किया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तब यूपीए की सरकार थी और उसके बाद अभी सरकार है यहाँ कांग्रेस की, इनको एनआईए को सारे तथ्यों से अवगत कराना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बार बार विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर एक बात कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, 1.5 साल से वो मुख्यमंत्री है, अब कौन सा दबाव है जो सबूत सार्वजनिक नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं वो सारे सबूत एनआईए को दे दें, एसआईटी को दे दें, विधानसभा के पटल पे रख दें, जनता की अदालत में रख दें, उनके ऊपर उन लोगों के ऊपर से पर्दा क्यों नहीं उठाना चाहते भूपेश बघेल जी, जो लोग झीरम घाटी के गुनहगार हैं। सुंदरानी जी उनका काम नहीं है भूपेश जी का, पर्दा उठाना चाहते हैं सुंदरानी जी, ये भूपेश जी का काम नहीं है, आप पर्दा उठने नहीं देना चाहते हैं, भूपेश जी आप नहीं चाहते हैं, आपकी सरकार नहीं चाहती है, आपके पूरे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, शुक्ला जी एक मिनट, शुक्ला जी आपके पास, शुक्ला जी एक एक करके, शुक्ला जी एक एक करके बकवास करते, शुक्ला जी एक एक करके उनकी बात आ जाए फिर मैं आपसे बात उत्तर लूंगा ही, सवाल ही नहीं उठता। सुंदरानी जी एनआईए जांच कब तक करेगी, हमारा सवाल इस बात का है, ठीक है यूपीए सरकार के समय एनआईए ने गठन हुआ, जांच चालू हुई, लेकिन 6 साल से तो आपकी सरकार है ना केंद्र में त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से समय पे जांच होनी चाहिए जी। लेकिन राज्य सरकार सपोर्ट भी तो करे, राज्य सरकार वे तथ्यों से अवगत भी तो कराए जो तथ्य भूपेश बघेल जी के पास है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में विधानसभा के बाहर लगातार कहा कि झीरम घाटी के सबूत मेरे पास हैं, मैं समय आने पे सार्वजनिक करूंगा, अब तो 1.5 साल से वो मुख्यमंत्री है, दे दें वो सारे दस्तावेज जो उनके पास झीरम घाटी के भूपेश जी नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए, देखिए आपके हाथ में प्रसाद है, अभी मैंने देख लिया है, आपको प्रसाद दिया गया है, प्रसाद आपके हाथ में है, इसलिए झूठ मत बोलिएगा, आश्वासन मत दीजिएगा जी, जी आश्वासन मत दीजिएगा, लेकिन ये काम नजरें बहुत तेज है त्रिपाठी जी, नहीं इसी की खाते भी है
सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान और आपको बहुत जी विपक्ष में रहते हुए और आगे बढ़ाए विपक्ष का ये काम है आरोप लगाना, लेकिन आप भूपेश सरकार भूपेश जी ने झूठ बोलना नहीं भूपेश जी ने कहा ठीक है कहा, लेकिन एनआईए तो जांच एजेंसी है, ये काम पुलिस का एनआईए का एसटीएफ का इन सब का है, आप वो क्यों इतने लंबे समय तक लगा रहे हैं? मतलब अगर कह रहे हैं कि आप जांच रिपोर्ट दे दीजिए, मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए एक चिट्ठी एक जन पूर्व जन प्रतिनिधि होने के नाते एनआईए को जरूर लिखूंगा कि जल्द से जल्द जांच करें। अरे आप पूर्व जनप्रतिनिधि नहीं साहब, वर्तमान और भविष्य जनप्रतिनिधि हैं। आप पूर्व जनप्रतिनिधि नहीं, वर्तमान और भविष्य जनप्रतिनिधि हैं। आपका आशीर्वाद पंडित जी, प्रणाम करता हूँ। आपने कहा पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते। जी शुक्ला जी, शुक्ला जी पूर्व विधायक होने के मैं जानना चाहता हूं कि यदि एनआईए वास्तव में इसकी जांच कर रही थी जी। एनआईए तो 17 सितंबर 2018 को एनआईए की तरफ से एक फॉर्मल चिट्ठी जारी होती है कि जीएम की जांच एनआईए ने कंक्लूड कर ली है जी। तो फिर उसके बाद जैसे राज्य सरकार एसआईटी गठन करती है तो एनआईए फिर से जाँच शुरू कर रही है, ऐसी खबरें आती है, पुख्ता कोई जानकारी नहीं आई है, ऐसी खबरें आती है। हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार या जिस मामले की एसआईटी से जांच करवाना चाहती है तो उसमें एनआईए के नाम पर रंगेबाजी क्यों की जा रही है? माननीय सुंदरानी जी वास्तव में चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि जीरम का मामला एक ऐसा कलंक है जो तत्कालीन सरकार के माथे पर लगा हुआ है, यह धुलना आवश्यक है। यदि इसमें तत्कालीन सरकार निर्दोष थी तो इसकी जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए, जो गुनाहगार हो सामने आए, क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है? हमारी सरकार गठन करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं जी शुक्ला जी सुंदरानी जी एक मिनट शुक्ला जी, यदि आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं तो हो जाए इसकी जाँच जी। जांच इसकी जांच में आखिर क्यों व्यवधान पैदा किया? हम यही तो चाहते हैं, एसआईटी का गठन किया गया है, आप जिसके पास जो भी तथ्य है जो प्रमाण है कई सारी चीजें, हमारा बार बार आरोप था कि इसमें एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, इसमें एक पॉलिटिकल षड्यंत्र हुआ था, इस मामले की जांच किसी ने नहीं किया, न एनआईए ने किया, न जो न्यायिक जांच आयोग था उसने किया, न राज्य की पुलिस ने किया था। इस मामले की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आखिर हमने यहाँ पे अपने नेताओं की पूरी एक पीड़ित होया है। हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कई बार के केंद्रीय मंत्री है विद्याचरण शुक्ल, हमारे महेन कर्मा जैसे नेता इसमें गंवाए हैं, हमने इसमें अल्लाह नूर जैसे अपने युवा कार्यकर्ताओं को गंवाया है, ये हमारी पीड़ा है। यदि हम जांच की मांग करते हैं, जांच होने देना चाहते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति? भाई आप सहयोग करिए, यदि आप गुनाहगार नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो आप लिखिए प्रधानमंत्री जी को, आपके पास में आधा दर्जन यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हुए पदाधिकारी हैं, जाके बोले दे दो भाई, राज्य सरकार बार बार चाहती है, एसआईटी गठन कर चुकी है, दे दो, जांच हो जाए, मामला सामने आ जाए। चलिए शुक्ला जी उत्तर ले लेते हैं सुंदरानी से, फिर हमारे अग्निहोत्री जी भी बैठे हैं, काफी देर से वो कुछ नक्सलियों को लेकर उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट लिखी है। जी सुंदरानी जी क्या कह रहे हैं? प्रसाद ग्रहण कर लिया आपने? त्रिपाठी जी मैं प्रसाद ग्रहण कर लिया और मैं सुशील आनंद शुक्ला जी का बड़ा अच्छा सुझाव है, मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, लेकिन मेरा भी एक सुझाव वो मान ले कि जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के पास नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए झीरम घाटी के सबूत उनके जेब में रखे गए थे, वे सारे के सारे सबूत भी जल्द से जल्द एनआईए को दे दें ताकि वे सारी जांच में आ जाए और झीरम घाटी के आरोपियों के ऊपर से पर्दा हटना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं, हमारी भी श्रद्धा है उन नेताओं के प्रति जो कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे, हम भी उनके बड़ा सम्मान और आदर करते हैं, वो उस घटना से पर्दा हटना चाहिए। मैं ऐसी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा, लेकिन मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से निवेदन करता हूँ कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास जो भी झीरम घाटी के जिस दिन एनआईए राज्य सरकार को फाइल वापस कर देगी, एसआईटी को फाइल हैंडओवर कर देगी माननीय मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस नेताओं के पास जो भी साक्ष्य है, जो भी डायरेक्ट साक्ष्य है, इनडायरेक्ट साक्ष्य, सारे साक्ष्यों को एसआईटी के समक्ष दिया जाएगा,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस एजेंसी के पास एनआईए ने तो आज तक एनआईए ने सौ वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, एनआईए ने एक भी प्रत्यक्षदर्शी आदरणीय विद्याचरण के सहयोगी, आदरणीय स्वर्गीय नंद कुमार के सहयोगी, आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र शर्मा के सहयोगी, एनआईए ने किसी से भी पूछताछ नहीं की। आखिर किसके पास आदमी साथ चेक था? किसी भी कांग्रेस नेता के पास एनआईए ने पूछताछ नहीं किया था। जी ये आप जानते हैं? नहीं यार, ये बात ये देखिए, एक बार सुनिए सुशील जी, आपको भी मालूम है कि कभी भी, अरे आप बताइए ना, एनआईए ने जब पूछताछ किससे किया था? नहीं सुशील जी, आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एसआईटी को दे दें एनआईए, अब हम जांच कर लेंगे, कभी भी आज एक भी उदाहरण आप बता दीजिए कि किसी भी मुद्दे पे जब राज्य सरकार अनुशंसा करती है, अनुशंसा तब करती है कि अभी हम इस मामले में जांच करने में थोड़ा अक्षम साबित हो रहे हैं, अक्षम भी शब्द में मुझे नहीं कहना चाहिए, तब जाके राष्ट्रीय एजेंसी कोई जांच अपने हाथ में लेती है। जब राष्ट्रीय एजेंसी अपने हाथ में लेती है तो उसको कंक्लूड करके ही वो छोड़ती है, कभी भी राज्य सरकार को नहीं सौंपती। ये आपको मालूम है कि एनआईए कभी भी किसी स्थिति में एसआईटी को नहीं देने वाली। तो क्यों नहीं देना चाहते संदेश पैदा होती है? जब आप एक बात बोलते हैं राष्ट्रीय एजेंसी में प्रश्नवाचक जब लग जाएगा, जब एक बात वो बोलते हैं राष्ट्रीय कंक्लूड कर लिया जी, जब राष्ट्रीय जी 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 बोलिए सर। यार सुंदराने जी, फालतू बातें बकवास कर सब जैसे शब्दों का बंद करो, विधायक रह चुके हो, विधायक रह चुके हो आप जी, इस प्रकार के शब्दों का मेरे पास में बहुत खराब है, मैं छात्र लेकर रहा हूँ, तो आप पढ़ लो ना जाके, है ना, सुनिए मेरे बात सुंदराने जी, क्यों शब्दों की गरिमा गिरा रहे हैं आप? बकवास और फालतू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिए आप। मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात को मैंने स्वीकार किया। चलिए बड़ी बात है, फालतू शब्द है, बकवास शब्द है, क्या है सुंदरानी जी? चलिए आज शुक्ला जी, मैं फिर आ जाऊँ, फिर मुद्दे पे आ जाऊँगा, सर फिर अस्तर तक आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपके पास जवाब आपके पास कुछ है नहीं, आप जवाब आपके पास कुछ है नहीं, आपकी सरकार क्यों एनआईए वापस नहीं कर रही है? अरे आपके सरकार के माथे पे जीवन का कलंक लगा है, आपके सरकार के माथे पे नेताओं की हत्या का कलंक है। शुक्ला जी पुजारी जी की बात करें, अभी लेटेस्ट मुद्दा जो है नीरम, नीरम पे कई बार बात हो चुकी है, आज के मुद्दे पे बात करें, आज के मुद्दे पे बात करें, नक्सलियों के पोषक है, इनके नेता नक्सलियों की ढलाई करते हैं, इनके नेता नक्सलियों के नाम पे, नक्सलियों के नाम पे ढलाई करते हैं, आज के मुद्दे पे बात करें, अभी जो लेटेस्ट जीरा, आपके पास सवाल ही नहीं है सुंदरानी जी, आपके बौद्धिक स्तर से ऊपर का डिबेट है सुंदरानी जी, इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, दुर्भाग्य से वो आपके पास है नहीं, एक अध्ययन आपके पास है नहीं, शुक्ला जी व्यक्तिगत, ये आपके बौद्धिक स्तर से ऊपर की चीज है, आप फालतू शुक्ला जी फालतू शुक्ला जी व्यक्तिगत बातें हो रही हैं, अरे इनके बौद्धिक स्तर की चीज नहीं है, नहीं नहीं शुक्ला जी व्यक्तिगत उन्होंने शुरू किया है, व्यक्तिगत नहीं, ठीक है वो फालतू शब्द बकवास शब्द अलग हो सकता है, व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर व्यक्तिगत उन्होंने शुरू किया, जानकारी इन चीजों पे ना जाए, हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं जी, हम तो इस बात इस पे बात, आप क्या बात कर रहे हैं सुंदरानी जी, मुझे मत सिखाइए आप, चलिए चलिए शुक्ला जी, मुझे मत सिखाइए आप, एक मिनट शुक्ला जी, अग्निहोत्री जी आपकी टिप्पणी क्या है, जब एक मैं भी अगर व्यक्तिगत बात करना चालू करूंगा ना जवाब नहीं दे पाओगे आप, चलिए एक मिनट अग्निहोत्री जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे, करिए करिए आप, शुक्ला जी फालतू जैसे शब्दों का बात करते हो आप, बेवकूफ जैसे शब्दों का बात करते हो आप, विषय पर थी उस विषय से भटक गए, झीरम घाटी पर पहुंच गए, झीरम घाटी पर पहुंच गए, हालांकि झीरम घाटी की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी सात साल साढ़े सात साल बाद अब तक कम से कम कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाना, बिल्कुल एनआईए की जांच में प्रशासन खड़ा हो रहा है, लेकिन जहां तक लेकिन क्या ये संभव है कि एनआईए दे दे राज्य सरकार को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एसआईटी का जो गठन राज्य सरकार ने किया है उस वो तब तक अपना कार्य तब तक आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक कि एनआईए की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास प्रस्तुत ना हो जाए, मतलब केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत ना हो जाए और फिर वो राज्य सरकार को उसको अग्रेषित करे, तो ये तो एक टेक्निकल बात है, लेकिन नक्सलवाद की जहां तक बात है, नक्सलवाद का नासूर बहुत पुराना त्रिपाठी थी जी। और जब से इसमें माओवाद की बात जुड़ गई है
तब से इसका खूनी चेहरा और ज्यादा विकराल हो गया। देखिए ऐसा नहीं है, जितना सूचना तंत्र राज्य सरकार या पुलिस के पास है उतना उससे कम सूचना तंत्र जो है वो नक्सलियों के पास होगा, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वर्षों वर्षों से ये जो जिस तरह डकैतों की एक समस्या सरकार ने उखाड़ फेंकी और अब डकैत कहीं भी नहीं है, उस तरह नक्सलवाद की समस्या इसलिए ही मेरी नज़र में समाप्त नहीं हो सकी है क्योंकि राजाश्रय जो है वह प्राप्त है। राजाश्रय से मेरा तात्पर्य जो है राजनीतिक राजाश्रय की बात होती है, इसमें यह नहीं है कि नक्सलवादियों की लिंक्स कई बार पहले भी जब एकीकृत मध्य प्रदेश था तब भी पत्रकारों से भी जुड़ते रहे हैं, नेताओं से भी जुड़ते रहे हैं और उनका सूचना तंत्र भी पुलिस से किसी तरह से कम नहीं रहा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो दंतेवाड़ा के उपाध्यक्ष हैं जिला इकाई के, उनकी मदद की जो बात जो सामने आई है वो तो खैर कानून अपना काम करेगा और न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बिना राजाश्रय के नक्सलवाद इतनी बुरी तरह जो फला फूला है, एक राज्य नहीं पांच पांच छह छह राज्यों में जो फला फूला है, तो उसका तब तक उस पर नकेल नहीं कसी जा सकती जब तक कि उसको इच्छा शक्ति राजनीतिक सामने नहीं आएगी। चल चल समय कम है, सोनारी जी जानना चाहेंगे कि आखिर पुजारी जी जिस आरोप में अभी सिद्ध नहीं हुआ जी, जिस आरोप में उनको गिरफ्तार किया है, एक पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने बता रहे हैं कि उनसे बहुत कई तरह की उनसे जानकारी मिली है कि नक्सलियों को वो ट्रैक्टर सप्लाई किया उन्होंने, अन्य और सामग्री सप्लाई की। ये तो कहीं न कहीं आपकी इतनी बड़ी पार्टी शिक्षा वाली पार्टी पे प्रश्न चिन्ह तो लगा रहा है, स्वीकार करते हैं आप? निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर मत लगाइए वो उपाध्यक्ष है, अगर मत लगाइए उपाध्यक्ष है जी। नहीं हमने मान लिया था वो उपाध्यक्ष है और उसने नक्सलियों का समर्थन किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किया है, वो दोषी है। अगर दोषी करार दिया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और हम ऐसे लोगों को कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे और न कभी बचाव में खड़े होंगे, ये भी बता दें हम आपको। आप बिल्कुल स्वीकार न करिए, बचाव में मत खड़े होइए, लेकिन कम से कम आगे से जो भी काम जहां इस तरह संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे आप अपना पदाधिकारी किसी को घोषित करें बनाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो ले लें, पृष्ठभूमि क्या है उसकी। देखिए वर्षों लग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए, कोई एकाएक नहीं बनता। परिवार की पृष्ठभूमि उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, लेकिन अब वो किन परिस्थितियों में कैसी परिस्थितियां उसके सामने होगी, क्यों ऐसी बात सामने आई है, किस रूप में आई है, क्या कितना वो दोषी है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने त्रिपाठी जी व्यवहारिक रूप से नहीं बोल सकता कि आखिर क्या कारण हुआ ऐसा। और अगर ऐसे व्यक्ति हैं वो जो नक्सलवाद को चाहे कि वो दोषी, तो निश्चित रूप से पार्टी उनको स्वीकार नहीं करेगी ऐसे लोगों को। नहीं, पार्टी का निकाल देना, पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा है सुंदरानी जी, पार्टी से आपने उनको निष्कासित कर दिया, ये क्लीन चिट नहीं होगी। नहीं, और क्या करना चाहिए त्रिपाठी जी, आदरणीय आप हमें बताएं, हम उस हद तक जाएंगे। चलिए देखिए जब पक्ष विपक्ष की बात होती है तो जो आरोप आप पे लग रहे हैं, पार्टी मैं आरोप तो लगा नहीं रहा हूँ, निश्चित तौर पे वहाँ का सबसे बड़ा दल इस समय आरोप लगा रहा है जो सत्ता में भी बैठा है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं, उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो आप दोनों लोगों के बीच के माध्यम है। जी जरूर जरूर। शुक्ला जी, शुक्ला जी आपने सुना होगा क्या क्या कर सकते हैं, और ठीक है उनकी पृष्ठभूमि नहीं पता चल पाई और वो इस जो भी कृत्य था उसमें संलग्न थे, अब ऐसी स्थिति में पार्टी पे आरोप लगा देना, उनपे अन्य तरह के कई तरह के आरोप लगाना, वो मुद्दा महत्वपूर्ण है कि इस समय नक्सलवाद से किस तरह लड़ा जाए, नक्सलवाद का सफाया किस तरह किया जाए, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। जब इस तरह प्रभावशाली लोग, इस तरह राज्य की प्रमुख विपक्षी दल के लोग, इस तरह राज्य में 15 साल सरकार चलाए हुए लोग नक्सलियों के मददगार के रूप में सामने आएंगे
और उनकी पार्टी के लोग अगर मगर करेंगे जी, सीधे सीधे उसके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं करेंगे जी, सीधे सीधे उनके ऊपर निंदा की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को प्रश्न मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों पर विराम लगना चाहिए। ये नक्सलवाद कोई कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं है, न कोई एक व्यक्ति पार्टी की समस्या है। यह नक्सलवाद एक नासूर है जो इस देश के लिए नासूर है, जो देश के हृदय में नासूर है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए नासूर है, और ये जिसमें सत्तारूढ़ दल, तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के लोग और उसके बाद वर्तमान में विपक्षी दल के लोग लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज्यादा गंभीर और चिंता का विषय हो जाता है। और सुंदरानी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को इसमें आज ऐलान करना चाहिए कि बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं से कहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी अगर मगर देखेंगे इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। मैंने त्रिपाठी जी बड़ी सीधी सीधी बात की है जी, मैंने सीधी सीधी बात की है। अगर मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलेंगे आप, बताइए उनको मेरा रिकॉर्ड फिर से सुना दीजिए। मैंने सीधी सीधी बात की है कि आप मुझे बताएं और क्या किया जा सकता है। चलिए शुक्ला जी, अब तो बताइए। मगर नहीं लगाया था, अब इसमें ना अगर है ना मगर है, सीधे सीधे आपके बीच संवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, आज 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 सुंदरानी जी ने स्वीकार किया कि उनका पदाधिकारी नक्सलवादियों का पोषक था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके पहले जो इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का सहयोगी, इनके तत्कालीन सांसद का प्रतिनिधि जो माना एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, इनके जिले का कोषाध्यक्ष सुराना नाम का अगर दूसरे से मुकर रहे हैं, इनके इनके इनका जो मंडल उपाध्यक्ष, इनका जो मंडल उपाध्यक्ष जो रामनाथगांव जिले में गिरफ्तार हुआ था उससे तो मुकर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति नहीं, लगातार श्रृंखला सामने आ रही है। तो यह साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो जो सत्ता में शामिल लोग थे उस समय, वह नक्सलियों के पोषक बनकर सामने आए थे। आपका युवा कांग्रेस का पदाधिकारी अध्यक्ष शराब की तस्करी में पकड़ा गया, आपने क्या किया उसका बताए? उसी दिन सुंदरानी जी, उसी दिन निकाल दिया। और आपका जो मंडल अध्यक्ष शराब पीते हुए पकड़ा, आज तक आप कार्रवाई नहीं किए। हमने युवक कांग्रेस अध्यक्ष को उसी दिन पार्टी से निकाल दिया। आपका पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष नक्सली गतिविधियों में शामिल होता है, आप बताइए अभी तक आप मनस्थिति में नहीं है कि क्या कार्रवाई करेंगे? अभी तक आप इस मनस्थिति नहीं बता पा रहे हैं। आज सार्वजनिक टीवी चैनल के माध्यम से मनस्थिति बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं, निकाल दिया पार्टी से आपने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को, और क्या कर सकते थे, और क्या करना चाहिए? आपने जगत पुजारी को निकाला, आपने जगत पुजारी को निकाल दिया। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है सुंदरानी जी, इसका उत्तर दे दीजिए, फिर हमारा समय समाप्त हो रहा है। जगत पुजारी जी को निकाला क्या आपने? और निकाल होगी ना, आपने जगत पुजारी को निकाला, 36 घंटे हो गया। त्रिपाठी जी, किसी दोषी व्यक्ति को पार्टी नहीं बख्शती। आपने देखा इस पार्टी का इतिहास रहा है, कभी किसी पार्टी के कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़ा नेता हो, पार्टी कार्रवाई करती है। चलिए, कार्रवाई जरूर करिएगा, जल्दी नहीं तो शुक्ला जी इस मुद्दे को आप जगत पुजारी को निकाला हाँ या नहीं मैं बता दीजिए। चलो, इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगे, जल्दी जल्दी कार्रवाई करिए। निश्चित रूप से ये अपने आप में काफी बड़ी बात है सुंदरानी जी, कि अगर पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष इस मुद्दे पे, ये देशद्रोह का मुद्दा है, इस मुद्दे पे अगर सहयोग कर रहा है तो आपकी पार्टी निश्चित तौर पे आपकी पार्टी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपका भी, सुंदरानी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने की। तो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी ने पुरानी परतें उधेड़ने की शुरुआत कर दी है। अब बीजेपी नक्सल गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि साल 2008 में जब राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध तत्कालीन रमन सरकार ने सलवार जुड़ूम अभियान छेड़ रखा था, तो उस दौरान हुए चुनाव में आखिर कैसे 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी? नक्सल विरोध के बीच आखिर यह कैसे मुमकिन हो सका? चर्चा के बिंदु में यह तथ्य भी है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जिसकी राजनीति कांग्रेस और सीपीआई तक सीमित थी, वहां बीजेपी कैसे फलती फूलती चली गई। बस्तर में सलवा जुड़ूम अभियान की अगुवाई करने वाले दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और कांग्रेस के कमजोर होने से माओवादियों को मजबूती मिली। सियासी चर्चाओं में कहा जा रहा है कि बस्तर एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र बन गया जो आगे चलकर वामपंथी क्रांतिकारियों और दक्षिणपंथी लोगों के
एक साथ बढ़ने का गवाह बना। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और नक्सलियों के बीच हुई भूमिगत समझौते की आधिकारिक पुष्टि भी की गई जा चुकी है। वहीं अब बस्तर में बीजेपी नेता की माओवादियों से नजदीकी का जो खुलासा हुआ है वो कहीं गहरे गठजोड़ का कोई अलर्ट तो नहीं। इस पर अब बहस चल रही है जो जल्द खत्म होने वाली नहीं है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद आप रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और तो चलिए पहले एक सत्ता के संग्राम पे एक रिपोर्ट देखते हैं।